अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन, मैं नईम कमर नगर नगर घूमने वाला मुसाफिर आपके लिए ला रहा हूँ प्रोग्राम नगर नगर घूम मुसाफिर। देखते रहें बरात न्यूज़। नगर नगर घूमते हुए हम पहुंचे लाहौर से कोई 100 किलोमीटर दूर और गोगेरा से 20 मिनट की मुसाफत पर एक तारीखी गांव जिसे लोग सतघरा के नाम से जानते हैं। इस गांव की सरजमीन में एक ऐसा बलोच सपूत दफन है जिसके रोब और दबदबे की गूंज इसके दुश्मनों में चाकर आजम के नाम से गूंजती थी। चाकर आजम का असल नाम मीर चाकर खान रिंद बलोच था, जो 1468 में पैदा हुए और वालद शामाक खान रिंद बलोच की वफात के बाद बलोच रिंद कबीले के सरदार बने। मीर चाकर जब 18 साल की उम्र को पहुंचे तो रिंद और लाशारी के कबीले के दरमियान 30 साल जंग का आगाज़ हुआ, जिसका अलम मीर चाकर ने खुद संभाला। जंग में रिंद कबीला फतेहयाब रहा, मगर जंग के खात्मे पर 1518 में मीर चाकर खान रिंद बलूचिस्तान से हिजरत करके पंजाब के एक ओका नामी जंगल, जो मौजूदा ओकाला शहर है, से चंद किलोमीटर के फासले पर आकर आबाद हुए। इस हिजरत में बलोचों के साथ अदद खानदान भी इनके साथ शरीक थे, जिनके पड़ाव की वजह से मकामी जगह सतगरा के नाम से मशहूर हो गई। 15वीं सदी में चाकर आजम को शेर शाह सूरी ने मुश्तरका इतिहादी मोहरकों की पेशकश की, लेकिन मीर चाकर ने इनकार कर दिया और सूरी अफवाज के मद्दे मुकाबल मुगल इतिहाद को खुश आमदेद कहा। मीर चाकर खान रिंद ने अपने बेटे केशान के साथ मिलकर पंजाब पर हमला आवर होने वाले अफगान फौजियों का मुकाबला किया और हुमायूं बादशाह को सूरी फौज के खिलाफ फतह दिलाई। हुमायूं ने इस कामयाबी से खुश होकर अपने इतिहादी मीर चाकर खान रिंद को सतगरा और गिरदोनुवा का इलाका हुक्मरानी के लिए सौंप दिया। मीर चाकर खान रिंद ने यहाँ इंतजामी अमूर सर अंजाम देने के लिए 5 एकड़ अराजी पर एक किला तामीर किया। किले की दीवारें 25 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी थी, जिनमें सुर्ख रंग की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। किले के 2 दाखिली दरवाजे बनाए गए, जिनके मशरिक और मगरबी इतराफ पर नक्शोनगारी की गई थी और किला के चारों इतराफ दिफाई फसीलें बनाई गई थी। 1565 में मीर चाकर खान रिंद की वफात के बाद इनका मकबरा भी इसी किला में तमीर किया गया। इस किला की शहाना फन कारीगरी इस दौर के हुनरमंद की महारत का मुंह बोलता सबूत है, लेकिन खस्ता हाली के बाइस सतगरा में अब सिर्फ इसकी बाकियात ही देखी जा सकती हैं। महकमा सारे कदीमा की अदम दिलचस्पी की वजह से किला की दीवारें मुनासिब देखभाल ना होने पर अपनी पहचान गंवाती जा रही हैं। यहाँ तक कि किला के अंदर मौजूद 200 फुट लंबी दीवार की तमाम सुरख ईंटें मकामी आबादी उखाड़ कर अपने घरों की दीवारों में इस्तेमाल कर चुकी है। चाकर आजम खान रिंद का मकबरा अपनी खस्ता हाली के आखिरी दर्जे पर है और हालत ज़ार ऐसी के मकबरे में दिन के वक्त बुरबुरी दीवारों और रात में अंधेरों के सिवा कुछ नहीं रह गया। मकबरे के अंदरूनी हालत को देखें तो कब्रें खस्तगी की वजह से मट्टी के ढेर में तब्दील होती जा रही हैं। मकबरे की इमारत में एक ही लाइन में 5 कब्रें मौजूद हैं, जिनमें से एक मीर चाकर खान रिंद की आखिरी आरामगाह है, जिसकी निशानदेही व सूख से नहीं की जा सकती।
नगर नगर घूमते हम पहुँचे मीर चाकर खां रिंद के किला से कुछ ही फासले पर, एक हिंदू मंदिर पर, वो भी अपनी खस्ता हाली की पुरसरार दास्तान सुना रहा था कि किसी दौर में यहाँ मंदिर की घंटियों की आवाज़ें गूंजती थी। हिंदू मंदिर के साथ स्नान घर में नहाते हिंदू धर्म के पैरोकार, मगर अब इसकी हालत ज़ात देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुकामी रहायशी हमें बताते हैं कि बलोच सरदार अकबर खां बुख्ती, फारूक लगारी, यार मोहम्मद रिंद, मीर जफरुल्ला खां जमाली अपने अजीम लीडर को सलाम व खराज व अकीदत पेश करने यहां आए, मगर किले की बहाली के लिए किसी ने कभी कोई इकदाम नहीं करवाए। ताहम यार मोहम्मद रिंद ने 33 लाख की ग्रांट से सिर्फ गुंबद की बहाली का काम करवाया। इनका मजीद कहना है कि पंजाब हुकूमत ने इस किला की तमीर नो और बहाली के हवाले से कुछ इकदाम कर रही है। नगर नगर घूमने वाले मुसाफिर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई नई नगर के साथ। देखते रहें बरात न्यूज़।